कोई ना, जानती हो हम धरती को माँ क्यों कहते हैं? नहीं। क्योंकि धरती में बहुत सहन शक्ति होती है, वो सब कुछ सहने की ताकत रखती है, उसी से सब कुछ पैदा होता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। तुम्हारे ज्योग्राफी टीचर ने तुम्हें धरती के बारे में और कुछ नहीं बताया? हाँ बताया, कहा कि धरती सूरज के आसपास घूमती है। वेरी गुड। लेकिन धरती सिर्फ सूरज के आसपास ही नहीं बल्कि अपनी धुरी पर भी घूमती है। एक मिनट, हेलो। हेलो मैम, मालविका है। हाँ बोलो मालविका। एक बहुत बुरी खबर है। क्या? मिस्टर आनंद ने जो हमारे साथ नई डील की थी ना। कौन सी? वही डील ना जिसके लिए प्राइस पर हमारी उनके साथ नेगोशिएशंस हुई थी? जी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी है। क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था। लेकिन ऐसे अचानक डील क्यों कैंसिल कर दी? उतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी रघु सर से बात जरूर हुई थी और वो इस बारे में बेहतर जानते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ओके मैम। कोई ना, जाओ अंदर जाकर पढ़ो। रघु, रघु, क्या बात है शादी, चिल्ला क्यों रही हो? आपकी मिस्टर आनंद से बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या बात हुई थी? क्यों? उन्होंने अपनी नई डील के बारे में आपसे कुछ कहा? हाँ कहा, लेकिन आपने क्या कहा उनसे? कोई तो जवाब दिया होगा आपने। इस तरह वकीलों की तरह मुझसे सवाल क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि उन्होंने अपनी नई डील हमारे साथ कैंसिल कर दी है। क्या मेरा ये जानना जरूरी नहीं है कि आपके और उनके बीच में क्या बात हुई थी? कहना क्या चाहती हो शांता? मैं कहना कुछ नहीं चाहती, सिर्फ पूछना चाहती हूँ। तुम पूछ नहीं रही हो बल्कि ये जताने की कोशिश कर रही हो कि क्योंकि मैंने मिस्टर आनंद से बात की उन्होंने डील कैंसिल कर दी। एक तरह से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं फैक्ट्री संभालने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री मुबारक हो शाटा, कल से मैं उस फैक्ट्री में कदम नहीं रखूंगा।